नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ एक्सप्रेसवे में शनिवार की सुबह एक टूरिस्ट बस को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें हाईवे पर रखे डायवर्जन ड्रम के फंस जाने से रुक गई और पीछे से आ रहे ट्रक में दो फोर व्हीलर क्रेटा सियाज में घुस गए, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ताखा के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक टूरिस्ट बस में डायवर्जन ड्रम फंस जाने से बस बैठ गई। पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। कुछ ही दूरी पर आ रही क्रेटा यूपी 52BM717 सियाज UP32GW0280 ट्रक में आकर घुस गई, जिससे दोनों गाड़ियों की परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक लोगों की मौत हो गई है और पांच लोग अन्य रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक टूरिस्ट बस दिल्ली से बनारस की ओर जा रही थी। शनिवार सुबह 4:30 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। गौरव शाके की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।